दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने कीबोर्ड पर फोटो कैसे लगा सकते हैं, वो भी विदाउट ऐप के। ठीक है, कोई ऐप की जरूरत नहीं है, किसी भी ऐप की आपको जरूरत नहीं, और आप फोटो इजीली तरीके से लगा पाओगे अपने कीबोर्ड पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जान लीजिए दोस्तों, मैं हूं इसका होस्ट और आपका अपना दोस्त विमलेश कुमार। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए हम अपने व्हाट्सएप को इस तरीके से ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं ये कीबोर्ड जो हमारा है, यहाँ पे कोई भी फोटो शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे फोटो आपको कैसे लगाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे जब आप इस तरीके से कीबोर्ड पे क्लिक करते हैं, कहीं पर भी आप आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप खोल लिया, तो आप कहीं पर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं कहेंगे, लोगो कहेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ पे लोगो मिल जाता है, यहाँ पे टैप करके अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको मोर पे क्लिक करना है। मोर पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एक नई सेटिंग खुल के आ जाती है, यहाँ पे आपको ये एक वो आ जाता है लोगो बन के, यहाँ पे टैप कर देना इस तरीके से। जैसे यहाँ टैप करोगे आप, यहाँ पे एकदम से खुल के आ जाएगा माय बॉक्स। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक नीचे ब्रश और प्लस का आइकन आ जाएगा, यहाँ पे आप टैप करेंगे इस तरीके से तो यहाँ पे आपकी गैलरी खुल के आ जाएगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देख लेना आपको कौन सा फोटो सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फोटो सिलेक्ट कर लेना है, तो चलिए मैं फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि फोटो सेलेक्ट किया ये वाला, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, तो इसे क्रॉप कर लेना है अपने हिसाब से। जैसे ही आप यहाँ पे क्रॉप करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे और ये बताएगा कि आपकी यहाँ स्टाइल ऐसी कुछ नज़र आएगी। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे आपको इफेक्ट बटन के मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आप बटन के इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप बहुत सारे इफेक्ट मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे आप इफेक्ट पे क्लिक करें, इफेक्ट मिल जाएंगे। अब यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल भी इस तरीके से चेंज कर सकते हो, जैसा कि हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, सेव पे क्लिक करना है, या म्यूजिक भी लगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप म्यूजिक भी लगा सकते हो, स्टिकर भी लगा सकते हो, यहाँ पे सारी चीज़ें लगा सकते हो। यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ से बिल्कुल ये बोल रहा है कि आप शेयर करना चाहते हैं ये चीज़ को, तो यहाँ पर आप शेयर भी कर सकते हो। चलिए यहाँ से हम वापस चलते हैं वहीं पर। तो यहाँ पर आप दोस्तों यहाँ पर टैप करते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर फोटो लग के आ जाता है। अब दोस्तों आप इस तरीके से अपने जो कीबोर्ड है वहाँ पे फोटो लगा सकते हो विदाउट ऐप के। ठीक है, इजीली तरीके से। दोस्तों आशा करता हूँ आप लगा पाएंगे, उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी हो। कोई दिक्कत आ रही हो कमेंट में बताएं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। अगर आप हमसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है officialvimlesh563, आप हमें वहाँ पे ये मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको 100% रिप्लाई दूंगा। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।